बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम से प्रयागराज में उसके गुनाहों के खिलाफ भी कोई आवाज नहीं उठाता था। मंगलवार को माफिया के उस आतंक का भी अंत हो गया, जिस माफिया से लोग नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसी शहर के अंदर भरी कचहरी में उसके खिलाफ नारेबाजी करती हुई वकीलों की भीड़ ने उसे भद्दी गालियां दी। जिसके नाम से लोग डरते और कांपते थे, उसे मारने के लिए वकीलों की भीड़ आगे बढ़ रही थी। वकीलों की भीड़ से माफिया को बचाने के लिए पुलिस और वकीलों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह वकीलों का गुस्सा निकल रहा है और अतीक को उसके मुंह पर गंदी और भद्दी गालियां दे रहे हैं। इससे पहले पाल समाज से जुड़े अधिवक्ता की भी एक तस्वीर सामने आई थी, जो अतीक को जूतों की माला पहनाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में जाना चाहते थे, जिन्हें पुलिस और पीएसी के जवानों ने रोक लिया था। अतीक अहमद के प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल और जनपद न्यायालय कोई नई जगह नहीं थी। जेल से लेकर कोर्ट तक माफिया की जी हुजूरी करने वालों की पहले भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उसी कोर्ट रूम में जाने के दौरान वकीलों की भीड़ न सिर्फ अतीक अहमद को गालियां दे रही थी, बल्कि उसके ऊपर हमला करने पर भी तुली हुई थी। उमेश पाल भी वकील थे, जिस वजह से उसकी हत्या के बाद से कचहरी के वकीलों में अतीक और अशरफ के खिलाफ काफी आक्रोश भरा हुआ था। इस दौरान कोर्ट परिसर में पहली मंजिल पर जाते समय सीढ़ी के पास बड़ी संख्या में वकीलों की भीड़ जुटी थी। उमेश पाल की हत्या से आक्रोशित वकील अतीक अहमद को आता देखकर उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने माफिया के मुंह पर गालियां दी। इसके साथ ही उसे फांसी दिए जाने की मांग भी करने लगे। वकीलों की भीड़ को उग्र देखते हुए माफिया अतीक अहमद सहम गया था। माफिया को इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जिस शहर में चार दशक तक उसका राज चला हो, उसी शहर में उससे डरने वाले लोग आज उसके सामने खड़े होकर गाली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 साल से योगी राज में जिस तरह से माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसकी वजह से माफिया अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेता को भी डर सता रहा है। उमेश पाल की हत्या के एक महीने बाद अतीक अहमद एमपी एमएलए कोर्ट आया था। उसी दौरान कोर्ट में मौजूद वकीलों की भीड़ ने उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वहां मौजूद भीड़ अतीक अहमद के पास पहुंचकर उसके साथ मारपीट करने पर आमदा थी। उस गुस्से को देखकर अतीक अहमद को इस बात का आभास हो गया कि प्रयागराज में 4 दशक में उसका अपना जो डर बनाया था उमेश पाल हत्याकांड के बाद, लोगों के मन में वो डर खत्म हो गया है। अतीक को भी पता चल गया है कि अब उसके नाम का डर लोगों के मन से निकल चुका है।